प्रदेश में मॉनसून इस बार बारिश ही नहीं बल्कि आफत भी लेकर आया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही तबाही की तस्वीरें हर किसी को डरा देने वाली है। प्रदेश की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप है और लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भूस्खलन के साथ पेड़ गिरने से मार्गों की आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को गाइड करने के साथ साथ यातायात संचालित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने सड़कों की स्थिति पर मीडिया के समक्ष जानकारी साझा की है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है वो आपदा की वजह से, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से जगह जगह पे सड़कों पर स्लिप्स आए हैं, पेड़ गिरे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं या लैंड स्ट्रेटा है वो बहुत फ्रेजाइल हो गया है और फर्दर जो है सेकेंडरी लॉस हो सकते हैं। ये इस वजह से जो है, जैसे कि हिमलैंड एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा भवन है और उस भवन के नीचे जो है स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी जो है वो दिख रही है, साफ दिख रही है। तो आने वाले समय में उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स हैं, उनसे हम लगातार टच में हैं। तो जैसे ही हमको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का क्लियर हो जाएगा कि अब ये सेफ है यहाँ से व्हीकल्स को मूवमेंट करवाना, तो उसी समय जो है हम जो है बड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, बसेस को भी वहाँ से अलाउ करें। अभी देखिए, हम सभी, हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जब बिल्कुल लगातार बारिश भी हो रही है और बहुत आपदा क्लैमिटी का जो है वो पूरा हमको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, उस समय भी ट्रैफिक पुलिस सड़क पर लोगों को गाइड करती रहती है और वो जो यातायात उसको संचालित करने में पूरा अपना 100% कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे सभी जगह पे वो गाइड कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसका वैकल्पिक मार्ग जो है वो बताते हैं। हम उनको चिन्हित हमने करके रखा हुआ है। हमारे कंट्रोल रूम और ट्रैफिक पुलिस पूरे समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य बरतने की ज़रूरत है और आमजन भी हमको बहुत इसमें कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वी ऑल नो कि दिस इज अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी, तो सभी जगह पे डिफिकल्टीज अराइज हो रही है।